हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कलसी एस्टेट। माय नेम इज कलसी। आई एम अ फादर ऑफ ए वंडरफुल सन, हस्बैंड ऑफ अ कैनिंग वुमेन। आई एम इनटू इंडस्ट्री फ्रॉम लास्ट 26 इयर्स एंड आई टेक माय जॉब एज सर्विंग रादर देन सेलिंग एंड आई लव गिविंग प्लेंटी ऑफ एडवाइस इन रियल एस्टेट। तो दोस्तों, आज के प्रेजेंटेशन में आप देखेंगे गोदरेज हिल साइड 3 एट रिवर हिल्स टाउनशिप, बानेर, महालुंगे रोड, पुणे। सो लेट्स बिगिन विद द प्रेजेंटेशन। तो यहाँ पर दोस्तों आप देखेंगे एलिवेशन है बिल्डिंग का गोदरेज हिल साइड 3, जो कि अभी अभी डेवलपर ने लॉन्च किया है। और ये इस टाउनशिप का लास्ट टावर होगा, लास्ट क्लस्टर होगा, जिसका नाम गोदरेज हिल साइड 3 है। तो यहाँ पर दोस्तों ये जो क्लस्टर है ये 2.7 एकड़ में डेवलप्ड हो रहा है, जिसमें दो टावर्स है। एक टावर ग्राउंड प्लस 30 स्टोरी का होगा और दूसरा टावर ग्राउंड प्लस 31 स्टोरी का होगा। और हर एक टावर में हर एक फ्लोर के ऊपर 8 फ्लैट दिया गया है विद कॉम्बिनेशन ऑफ 2 एंड 3 BHK फ्लैट्स। और दोनों टावर के दोस्तों बैक साइड में आप देखेंगे जो बिल्डिंग आप देख रहे हैं वो 7 लेवल का मल्टी लेवल कार पार्किंग बिल्डिंग है। और उस 7 लेवल के ऊपर एमिनिटीज एरिया दिया गया है, जहाँ पर आपका क्लब हाउस और कुछ एमिनिटीज एरिया है, जहाँ पर आपका क्लब हाउस 7,000 स्क्वायर फीट का रहेगा और 18,000 स्क्वायर फीट का एमिनिटीज एरिया रहेगा। और बिल्डिंग के बैक साइड में 70,000 स्क्वायर फीट जो है वो प्योरली एमिनिटीज के लिए दिया गया है। तो ये जो एमिनिटीज है दोस्तों, ये सिर्फ गोदरेज हिल साइड 3 का एमिनिटीज है। वैसे पूरे टाउनशिप का, रिवर हिल्स का भी अपने आप में एमिनिटीज है, जो कि काफ़ी बड़ा सा क्लब हाउस दिया गया है और बहुत सारे एमिनिटीज़ है जो कि कॉमन एमिनिटीज़ रहेगा, वो सारे टाउनशिप के लिए रहेगा। तो यहाँ पर दोस्तों आप देखेंगे ये पूरा टाउनशिप है गोदरेज रिवर हिल्स। और यहाँ पर जो लास्ट क्लस्टर जो लॉन्च हुआ है, दिस इज गोदरेज हिल साइड 3। तो पहले डेवलपर ने दोस्तों यहाँ पर गोदरेज हिल साइड 1, गोदरेज हिल साइड 2 लॉन्च किया था, जिसका पोजिशन दे दिया गया है। उसके बाद गोदरेज ग्रीन कोव, उसके बाद गोदरेज ग्रीन विस्टा, हिल रिट्रीट, मेडोज, और अभी डेवलपर ने गोदरेज हिल साइड 3 लॉन्च किया है। तो ये सारे टाउनशिप में दोस्तों आप देखेंगे जो सेंटर में यहाँ पर जो बड़ा सा गार्डन आप देख रहे हैं, ये करीबन 7 से 8 एकड़ का काफ़ी बड़ा सेंट्रल पार्क है और ये सभी कॉम्प्लेक्स वाले इसको यूज़ कर सकते हैं। और प्लस डेवलपर की तरफ से समवेयर ओवर ईयर 55,000 स्क्वायर फीट का क्लब हाउस रहेगा और इट विल बी अ पेड मेंबरशिप और ये सारे टाउनशिप के लिए रहेगा। उसके बाद 7.3 एकड़ का जो यहाँ पर कॉर्नर में आप देख रहे हैं रिवर साइड के फ्रंट में, 7.3 एकड़ का सेंट्रल पार्क रहेगा, जो कि अगेन ये सेंट्रल पार्क रहेगा सभी के लिए। और उसके अलावा रिवर साइड में डेवलपर की तरफ से बोट क्लब भी रहेगा, जहाँ पर आप बोटिंग वगैरह भी कर सकते हो। तो ऐसे टाउनशिप एमिनिटीज़ में बहुत सारे कॉमन एमिनिटीज़ हैं और प्लस गोदरेज हिल साइड 3 का जो एमिनिटीज़ रहेगा वो सिर्फ बिल्डिंग के लिए रहेगा। तो यहाँ पर दोस्तों लोकेशन मैप में अगर आप देखेंगे तो दिस इज़ बानेर महालुंगे रोड ओवर हियर, और यहाँ पे ये प्रोजेक्ट लोकेटेड है गोदरेज रिवर हिल्स, और गोदरेज रिवर हिल्स के अंदर ही गोदरेज हिल साइड 3 है। और इस रिवर के बिल्कुल ऑपोजिट साइड इनका एक और एक प्रोजेक्ट है जिसका नाम है गोदरेज वुड्स विले, ये भी काफ़ी बड़ा टाउनशिप है। तो यहाँ पर दोस्तों इसके सराउंडिंग एरियाज में जितने भी स्कूल्स, कॉलेजेस, हॉस्पिटल्स, ईटिंग जॉइंट्स, रेस्टोरेंट्स, सारा कुछ आधा किलोमीटर, 1 किलोमीटर या 2 किलोमीटर रेडियस के अंदर ही अवेलेबल है। तो यहाँ पर दोस्तों इस प्रोजेक्ट के बिल्कुल पास में अगर आप देखेंगे तो BRTS बस स्टैंड बिल्कुल पास में है, बैनेंट्री इंटरनेशनल स्कूल अगेन पास में है, बालेवाड़ी मेट्रो स्टेशन, VITS होटल, रेडिसन ब्लू, द ऑर्चिड होटल, ग्लोबल इंडियन इंटरनेशनल स्कूल एंड हयात प्लेस। और 6 किलोमीटर के डिस्टेंस पे अगर आप देखेंगे तो डीमार्ट, क्रोमा, बिटकॉइन, क्यूमेंस इंडिया, रूबी हॉल, रमादा प्लाजा, कोर्टयार्ड बाय मैरिट, बालेवाड़ी हाई स्ट्रीट, प्रभावी टेक पार्क, सूर्य स्पेशलिटी, दीपगढ़ स्कूल, वेस्ट साइड तीर्थ टेक्नो स्पेस एंड हिंजवाड़ी आईटी पार्क। उसके अलावा 10 किलोमीटर के डिस्टेंस पे आप देखेंगे तो एम्बेसी टेक जोन, न्यू केयर, जियोन मॉल, वेस्टर्न मॉल, जुपिटर होटल एंड लाइफ पॉइंट मल्टी स्पेशलिटी। और उसके बाद और डिस्टेंस पे अगर आप जाते हैं तो पुणे रेलवे स्टेशन है, पुणे एयरपोर्ट है और मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे है।
इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर हर एक बिल्डिंग के नीचे रिटेल प्लाजा दिया गया है, जो कि बिल्कुल आधा किलोमीटर का स्ट्रेच रहेगा। तो इट्स अ वेरी बिग शॉपिंग स्ट्रीट, जहाँ पर हर एक ज़रूरत की चीज़ें आपको बिल्कुल इस रिटेल प्लाजा में मिल जाती है। और ये जो इमेज आप देख रहे हैं, ये 7 एकड़ से 8 एकड़ का सेंट्रल पार्क है, जो कि कॉमन एमिनिटीज़ रहेगा सारे प्रोजेक्ट के लिए। उसके बाद डेवलपर के तरफ से यहाँ पर बोटिंग क्लब फैसिलिटीज़ भी दिया गया है। तो यहाँ पर दोस्तों आप देखेंगे ये मल्टी लेवल कार पार्किंग बिल्डिंग है, जो कि 7 माले की बिल्डिंग होगी, और जो उसके ऊपर जो रूफ टॉप होगा उसमें हाफ द पोर्शन जो है वो क्लब एमिनिटीज़ है, जो कि 7,000 स्क्वायर फीट का रहेगा, और हाफ द पोर्शन जो है वो ओपन एमिनिटीज एरिया है, जो कि 18,000 स्क्वायर फीट का रहेगा। तो यहाँ से बिल्कुल आपको ओपन ग्रीनरी का व्यू मिलता है इस प्रोजेक्ट से, इस फ्लैट से। तो यहाँ पर दोस्तों आप देखेंगे ये मास्टर प्लान है, जिसमें यहाँ से ड्राइववे इन है, और यहाँ पर आप देखेंगे ये 2 बिल्डिंग है, और इस तरफ आप देखेंगे ये मल्टी लेवल कार पार्किंग बिल्डिंग है, जिसके ऊपर सारा एमिनिटीज़ दिया गया है, और बाकी के जो एमिनिटीज़ है वो यहाँ पर ग्राउंड फ्लोर पे दिया गया है। तो आपका स्विमिंग पूल और अदर एमिनिटीज़ जो है वो सारा यहाँ पर ग्राउंड फ्लोर पर आता है। तो कुछ एमिनिटीज़ ग्राउंड फ्लोर पे अगर आप देखेंगे तो आपको यहाँ पर स्विमिंग पूल, पेडेस्ट्रियन पाथवे, किड्स प्ले एरिया, किड्स पूल, जाकुजी, पूल डेक, चेंजिंग रूम, एम्पी थिएटर, मल्टीपर्पज हॉल, स्ट्रोलिंग लॉन एंड मेनी मोर। और मल्टी लेवल कार पार्किंग के ऊपर पार्टी लॉन विद डेक, सोशलाइजिंग कॉर्नर, मल्टीपर्पज कोर्ट, ओपन जिम, योगा एंड मेडिटेशन लॉन एंड हिल व्यू डेक, और क्लब टॉप एमिनिटीज, जो कि अगेन मल्टी लेवल कार पार्किंग के ऊपर रहेगा। वहाँ पर आपको स्टार गेजिंग डेक मिलता है, आर्चरी नेट, क्रिकेट नेट, स्काई सिनेमा, यंगस्टर कॉर्नर एंड जाइंट जेंगा। तो यहाँ पर दोस्तों आप कुछ ग्लिम्सेस देखेंगे एमिनिटीज का, जैसे यहाँ पर आपको गेस्ट सूट्स दिया गया है, उसके अलावा एक्सक्लूसिव स्पा दिया गया है, एक्सक्लूसिव सलून, योगा एंड जुम्बा स्टूडियो, इंडोर जिमनेजियम, इंडोर गेम्स रूम, डिजिटल गेमिंग, क्रॉसफिट, क्रीच, मल्टीपर्पज हॉल, वेटिंग लॉन्च, रीडिंग लॉन्च, और यहाँ पर आप देखेंगे दिस इज स्काई वॉक्स सराउंडेड बाय प्लेंटी ऑफ लश ग्रीन्स। उसके अलावा क्रिकेट नेट, मल्टीपर्पज कोर्ट, आर्चरी नेट, सोशलाइजिंग कॉर्नर, हिल व्यू डेक, स्काई सिनेमा, पार्टी लॉन, स्टार गेजिंग डेक, नेचर लैब रूट पार्क, जहाँ पर प्लेंटी ऑफ ग्रीनरीज दिया गया है। उसके अलावा आउटडोर जाकुजी एंड किड्स पूल, स्विमिंग पूल एंड डेक, एम्पी थिएटर, मल्टीपर्पज लॉन, फ्लावर गार्डन, वर्क फ्रॉम गार्डन, किड्स प्ले एरिया एंड सीनियर सिटीजन गार्डन। सो बहुत सारे एमिनिटीज दोस्तों इस प्रोजेक्ट में दिया गया है। उसके अलावा दोस्तों आप देखेंगे कुछ फ्लैट के इमेजेस हैं, तो काफ़ी बड़े साइज का बेडरूम इसमें दिया गया है, और यहाँ पर आप देखेंगे लिविंग स्पेस भी काफ़ी वेल डिज़ाइंड है, कोई वेस्टेज नहीं है फ्लैट के अंदर, और किचन बिल्कुल अटैच्ड है लिविंग रूम के साथ में, और डाइनिंग स्पेस के लिए भी प्रॉपर स्पेस मिलता है। उसके बाद लिविंग स्पेस भी आप देखेंगे सफिशिएंट स्पेस दिया गया है with French cut window and large deck, and this is one more image of the bedroom with large window. और यहाँ पर दोस्तों आप देखेंगे ये जो amenities है ये ground floor पर दिया गया है, जहाँ पर आपको बड़ा सा swimming pool मिलता है। तो surrounding areas में plantation तो दिया ही है, लेकिन surrounding area में बाहर की तरफ आप देखेंगे project बिल्कुल hill को लगकर है। उसके अलावा दोस्तों यहाँ पर फ्लैट में आपको मॉड्यूलर किचन विद अपर एंड लोअर कैबिनेट्स दिया गया है, चिमनी दिया गया है, हॉब होगा, ये सारा किचन फैसिलिटीज दिया गया है, एयर कंडीशन इन मास्टर बेडरूम में दिया गया है, और उसके अलावा जितने भी फिटिंग्स फिक्चर्स वगैरह हो गए फ्लैट के अंदर सारे ब्रांडेड क्वालिटी के फिटिंग्स हो गए। दोस्तों यहाँ पे 2 BHK 657 से लेके 680 कारपेट एरिया है, जिसका प्राइस शुरू होता है 73,50,000 से इंक्लूसिव ऑफ ऑल अदर चार्जेस, और 3 BHK 877 से 902 कारपेट एरिया है, जिसका प्राइस शुरू होता है 98,00,000 से इंक्लूसिव ऑफ ऑल अदर चार्जेस। तो फाइनली दोस्तों पोजीशन इस बिल्डिंग का होगा दिसंबर 2027 में। तो दोस्तों और ज़्यादा जानकारी के लिए और बुकिंग के लिए आप मुझे फ़ोन कर सकते हो 7400138561। And thank you for watching this presentation. Don't forget to like and share to this channel, because sharing is caring. And see you again with one more developer, one more project very soon. Bye bye. Take care.